हेलो फ्रेंड्स, आई एम सनी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सनी ट्यूटोरियल। गाइस, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे जो आपका इंस्टाग्राम में स्टोरी होती है, तो स्टोरी ही आजकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंस्टाग्राम में, क्योंकि इंस्टाग्राम की स्टोरी देख के ही आपके बहुत सारे फॉलोवर्स जो लाइव होते हैं वो आपको देख लेते हैं, या आपके इंस्टाग्राम की जो आपकी प्रोफाइल जाती है उसमें आप जब स्टोरी लगाते हैं तो स्टोरी से वो ब्लिंक करने लग जाता है, ऐसे ऐसे ब्लिंक करता है, तो ब्लिंक करते हुए वो देखता है कि हाँ ये लाइव है, और लाइव होते हुए आपको पता चल जाता है, या आप कोई भी अपनी स्टोरी लगाते हैं तो उससे पता चल जाता है, बहुत सारे इंगेजमेंट आजकल सिर्फ स्टोरी से ही आता है। तो चैनल में मैं इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में पूरा कंप्लीट पूरी आपको बताऊंगा किस तरीके का आपको स्टोरी लगाने, क्या क्या सिस्टम होता है स्टोरी के, और स्टेप बाय स्टेप पूरा A to Z सारा चीज़ मैं आप इस वीडियो में स्टोरी के बारे में बताऊंगा। तो चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड लेट्स गेट स्टार्ट इन दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी का SEO स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ। जो लास्ट मेरी वीडियो थी, मैंने आप उसको बनाया था, आपको दिखाया था इंस्टाग्राम में, मैंने पोस्ट का SEO का एक मैंने पोस्ट करी थी। तो मैं इस पहले तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब मैंने इसमें हमने बताया था कैप्शन का यूज़ करके, आपने जैसे देखा होगा मेरे कैप्शन का यूज़ करके मैंने यूज़ करा था, तो वहाँ पर देखा था कि मैंने ये टेक्निकल इशरार जी का एक नाम लिया था, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मतलब 2-3 लाख के ऊपर उनके सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही मतलब जानना सभी लोग जानते हैं जितने टेक वाले, तो उन्होंने मेरे को कल लाइक करा था इस पोस्ट के लिए। तो मेरा ये जो मैंने आपको कल SEO बताया था लास्ट वीडियो में, तो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा वर्क करा था। तो मैं इसकी गुड न्यूज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो हमारी सनी ट्यूटोरियल 007 पे आप जाके मेरी इसकी पोस्ट भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि टेक्निकल एसरार जी ने हमें बहुत वो करा है। तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी वर्क कर रही है, ट्रिक्स सारी बहुत वर्क कर रही है। तो आज मैं स्टोरी का SEO बता रहा हूँ, तो स्टोरी का SEO बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, अपनी आप यहाँ पे स्क्रीन पे जाएंगे, स्क्रीन पे जाने के बाद आपको एक अपनी कोई भी इमेज है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो सेलेक्ट मैं कर रहा हूँ कोई भी इमेज को जिसको मेरे को वो करना है, जिसकी भी मैं स्टोरी में लगाना है। तो मैं कोई स्टोरी के लिए मैं एक सेलेक्ट कर रहा हूँ गैलरी में जाके, मैं एक हमारे पास कोई फ़ोटो होगी इंस्टाग्राम की है, हाँ मैं तो इंस्टाग्राम का ही मैं एक ये ले लेता हूँ। हाँ तो ये मेरी एक इमेज आ गई है। अब एक्चुअली होता क्या है, सिंपल सी चीज़ में हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि आप ये सिंपल से आप जाते हैं कोई भी फ़ोटो है या जो भी है, आप इमेज है या कोई भी वीडियो भी आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपने इस तरीके से कोई कर दिया, करने के बाद एक यहाँ से जो राइट हैंड पे जो AA बनना है यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख लिया, जैसे ये जो जिसके बारे में आपको बताना है, तो सिंपल सा ये कर दिया ऐसे करके। मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ आप करते हैं इसमें इसके बारे में ज़्यादा हम कुछ डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे, ऐसे सिंपल से कर देते हैं और सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो होता है, ये चीज़ तो हम स्टोरी के बारे में बता रहे हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट क्या क्या सिस्टम से चलता है। तो मैं आज इस SEO की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली सब लोग ऐसे सेंड कर देते हैं स्टोरी पोस्ट हो जाती है। तो SEO में आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होता है स्टोरी में क्या है ना, आप इसमें हमेशा जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है इसमें एक लोकेशन का आप ज़रूर दीजिएगा। जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने एक लोकेशन के बारे में बताया था, तो इसमें भी लोकेशन आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टोरी के लिए थोड़ा सा चेंजेस होता है, एक रूल चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको फेमस जगह नहीं देनी है, यहाँ पे आपको ऐसी जगह देनी है जो बहुत ही कम लोग जाते हैं, या जहाँ पर आपको ये प्रमोट होने के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत जल्दी छोटी लोकेशन ये जो भी बहुत ही मतलब ये होता है स्मॉलेस्ट लोकेशन जो होती है ये बहुत ही जल्दी वहाँ पर, जैसे आप कोई नॉर्मली जगह लीजिए, जैसे ये मेरा वाटर पार्क था, तो वाटर पार्क जो भी है, तो आपने वाटर पार्क का मेरा ये था, तो वाटर पार्क करके आप नॉर्मली जहाँ का भी है वाटर फॉल ये पार्क के बारे में कहीं भी आप दे सकते हैं, जहाँ बिहार पटना या लखनऊ जहाँ का भी आप हैं, तो मैं लखनऊ के वाटर पार्क का दे देता हूँ, क्योंकि लखनऊ के वाटर पार्क का सीन है। तो आनंदी वाटर पार्क, ये बहुत सारे वाटर पार्क है, आनंदी वाटर पार्क ये, तो सिंपल से आपको एक लोकेशन दे देंगे। तो ये क्या होगा कि जब भी कोई इंस्टाग्राम क्या करेगा कि अगर इस लोकेशन से स्टोरी प्रमोट करता है, तो लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें, आपको उसी तरीके से नॉर्मली स्मॉलेस्ट लोकेशन देनी है। एक तो ये चीज़ होगी, दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें
आप हमेशा, अगर आपको अपनी वायरल करनी है स्टोरी या बहुत सारी रीच बढ़ानी है, तो इसमें आप हमेशा 4 या 5 के करीब आप इसमें हैशटैग का यूज़ करिएगा। हैशटैग कैसे यूज़ करा जाता है आपको आई बटन में मैं दे रहा हूँ लिंक, वहाँ मैंने पूरा चीज़ समझाया है। वैसे मैं इसमें भी बता के आपको दिखाता हूँ कि मैंने 5 हैशटैग जो है मैंने लेके रखे हुए हैं, एक जगह लिखा है, वैसे आप जाके उसमें से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं है, रुकिए, इसमें से मेरे को निकालना पड़ता है, मैं दिखाई देता हूँ। तो आपको एक हमने ऐप बताया था इनटैग, इसी में जाके आप सिंपल सा कोई भी, जैसे ये फ़न का है तो आप ये कुछ इंटरटेनमेंट या कहाँ का है, ट्रेवल का है या कुछ भी, हॉलीडे सेलिब्रेशन, इस टाइप में, मतलब जो भी आपके निश से रिलेटेड कुछ भी है, मैं एक सिंपल से एक बता रहा हूँ। इस तरीके से आप ले लीजिएगा यहाँ से हैशटैग। तो पहले हैशटैग आपको हम बता दे रहे हैं, हैशटैग ले लीजिए आप। लेने के बाद ऐसे ही कॉपी कर दिए, कॉपी करने के बाद सिंपल सा आप जहाँ आपकी पोस्ट है इसमें से टेक्स्ट लीजिए। टेक्स्ट लेने के बाद सिंगल सिंगल, जैसे हैशटैग फन है, जैसे हम यही सिंपल से लिख देते हैं, इसमें ज़्यादा लिखना तो है नहीं, हैशटैग फन है, जैसे इसको ही हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसी तरीके से आप 4 या 5 जो हैशटैग हैं, फन है, और मैंने देखा है वहाँ पर जॉय है, इस तरीके से जो जो बहुत ही पॉपुलर आते जाएंगे आप उसमें भी चेक कर लीजिएगा। मैं ऐसे बना के आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपको 4 या 5 हैशटैग का यूज़ करनी है अपनी पोस्ट में। और दूसरी चीज़ क्या होती है, थर्ड जो चीज़ आ जाती है, इस तरीके से 5 आपको यूज़ करनी, तो इससे क्या होगा कि जितने भी ये हैशटैग के अकॉर्डिंग, जैसे हमने बताया था ट्रेंडिंग वाले रहेंगे, वहाँ पे ये आपकी स्टोरी भी चली जाती है, जैसे वहाँ पोस्ट भी चली जाती है वैसे आपकी स्टोरी भी चली जाती है। तो ये 2 टिप्स होगी। तीसरी टिप्स ये होती है कि आपको हमेशा इसमें क्या है कि अगर, या तो अगर आप वीडियो डालते हैं अपनी स्टोरी में तो सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ती है, तो मैं तो यहाँ पोस्ट डाला हूँ, लेकिन आप हो सकेगा तो आप कोई भी वीडियो को डालिएगा तो उसकी इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ती है। और थर्ड चीज़ आती है, जो तीसरा ऑप्शन ये आता है, तीसरे ऑप्शन ये आता है, इसमें बहुत सारे पोल्स होते हैं या स्टिकर्स होते हैं जो आदमी, और इसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आप पूछिए जिसमें यस या नो का होता है। तो इससे ये चीज़ पता चलता है कि जो भी आपके पीपल हैं या जो भी अभी फॉलोवर्स हैं, उससे आपकी बॉन्डिंग बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके का आप कोई यूज कर सकते हैं, या कोई इस टाइप में आप यूज कर सकते हैं, जैसे या एक ये यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का आपको इसको यूज करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी चीज है इसके लिए, ठीक है। और एक वीडियो का मैंने बता ही दिया, ठीक है। या आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं किसी से, उसमें आप आंसर का एक ब्लॉग छोड़ के वो कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा होता है। या संडे वीकली आप एक ऐसी ये इसमें पोस्ट डालिए कि जिसमें कि आपको क्वेश्चन दीजिए, उसमें बहुत लोगों ने लिख के आंसर दिए, जिससे ये पता चलता है, पता चले कि आपकी स्टोरी कौन कौन देख रहा है। ऐसा होता है कि बहुत लोग आपकी स्टोरी नहीं भी देखते हैं, इसलिए पता नहीं चलता है। तो ये 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा एक चीज़ और याद रखिए, डेली आप 6 स्टोरी पोस्ट करिए, और आपको रेगुलरिटी बहुत ही मस्ट है। तो ये सारा एक मेनली हमने SEO की बात करी है। तो SEO में ये 3-4 चीज़ें, एक तो हैशटैग का होता है, एक आपका लोकेशन होती है, वो भी स्मॉलेस्ट लोकेशन आपको दिखानी है, तीसरी क्या है, आपको रेगुलर आपको वो करना पड़ेगा, और अगर वीडियो हो सके तो वीडियो का ही ज़्यादा इसमें यूज़ करिएगा। और सिंपल से कुछ होता नहीं है, बस इसमें सेंड कर देंगे, सेंड करने के बाद जहाँ पे भी आपको भेजना है, आपको ऊपर वाला ऑप्शन आ रहा है योर स्टोरी, यहाँ पे भी कर सकते हैं, या सिंपल सा कोई एक पर्टिकुलर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या आपके जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं उसकी लिस्ट में आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। बस ये सिंपल सा स्टोरी का यह कॉन्सेप्ट होता है। और एडिटिंग की बात करी जाए तो एडिटिंग भी आप कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा इसमें रहता नहीं है, बस ये इसमें चाहे तो आप एडिटिंग या जो भी आपको पेंट वेंट करना है, या इस चीज़ को जो बीच में एक ऑप्शन आता है, ये बीच का जो ऑप्शन है, इससे यही चीज़ हमारी डाउनलोड हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है क्या, इसमें इफ़ेक्ट यूज़ कर दिया जाएगा कि आपको, जैसे ये बारिश का है तो यहाँ पे दिखा देंगे, बारिश हो जाएगा, वाटर आ जाएगा। या देखिएगा, अभी देखिए ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ तो तीर चलने लग जाएगा इसमें हमारी। तो इस तरीके से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आने रहा लोडिंग का ऑप्शन आता है, या संडे है, या बारिश का है, तो ये इफ़ेक्ट्स का वर्क करता है। तो ये ज़्यादा हम इस चीज़ को बताने की बस ज़्यादा नहीं करने की कोशिश है, आप खुद ही कर सकते हैं। इसमें बस मेन SEO की चीज़ बात की थी मैंने, वो चीज़ क्लियर करा दी आपको। इस चीज़ का आप यूज़ करिए, और कमेंट में मुझे करके बताइए कि आपको ये कैसे लगी, और ये वर्क करेगी, आप अगर इसको ट्राई करके एक बार ज़रूर देखिएगा। और चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, और देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।